चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पंकज सिंह ने आपराधिक अपील संख्या 433/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित दिनांकित आदेश 14/1/2016 के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की है। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए ₹1,000 के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कारावास से भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत ₹1,000 के अर्थदंड सहित 7 वर्ष के कठोर कारावास से तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत ₹1,000 के अर्थदंड सहित 3 वर्ष के कठोर कारावास से तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडाधिष्ट करके अकेले उसे दोष सिद्ध किया गया है। फुल स्टॉप। सजाएं एक साथ चलने को दंडादेश दिया गया। फुल स्टॉप। पैरा। वर्तमान प्रकरण सामने आया वह यह था कि गोवर्धन अग्रवाल नाम के एक व्यवसायी और कुछ अन्य लोगों को धमकी दी गई थी और उनमें से प्रत्येक से 10-10 लाख रुपए की मांग की गई थी। फुल स्टॉप। 26/9/2009 को मृतक शाम करीब 7 बजे अपने कार्यालय से अपने घर के लिए निकला जब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोली मार दी। फुल स्टॉप। उसे प्रबोध मिर्ज अपीलार्थी साक्षी 24 की कार में जिला अस्पताल अंबिकापुर ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। फुल स्टॉप। उस रात पुलिस थाना गांधीनगर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। फुल स्टॉप। शव को प्रदेश P39 के तहत ज्ञापन के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फुल स्टॉप। उचित जांच के बाद एक आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें कहा गया कि सुनील पासवान पंकज सिंह और पप्पू तिवारी सहित सभी आरोपी व्यक्ति एक साथ आए तथा समझौते के तहत गोवर्धन अग्रवाल की हत्या को अंजाम दिया या उसे कारित करने अंजाम दिया। फुल स्टॉप। उक्त समझौते के अनुसार पप्पू तिवारी ने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई। पंकज सिंह ने मृतक के उसके कार्यालय से रवाना होने की जानकारी दी। अभिषेक सिंह ने 26/9/2009 को लगभग शाम 7 बजे उक्त मोटरसाइकिल पर सुनील पासवान को पीछे बैठाकर हथियारों सहित ले गया जहां सुनील पासवान ने मृतक को गोली मार दी। फुल स्टॉप। पैरा। सत्र परीक्षण संख्या 70/2010 में कुल 28 गवाहों का परीक्षण किया गया और विचारण न्यायालय ने निर्धारण के लिए 8 मुद्दे तैयार किए। फुल स्टॉप। मुद्दे ए बी और सी वर्तमान अपीलार्थी से संबंधित है। फुल स्टॉप। क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ समझौते के तहत और आपराधिक साजिश के अनुसरण मृतक की हत्या की है। फुल स्टॉप। क्या अभियुक्त एक दूसरे के साथ समझौते के अंतर्गत हैं तथा एक दूसरे को सजा से बचाने के लिए विशेष वस्तुओं जैसे मोटरसाइकिल पिस्तौल
कारतूस, स्कार्फ आदि को छिपाकर रखा और क्या पंकज सिंह के पास बिना आवश्यक लाइसेंस के 2 9mm पिस्तौल, उनके मैगजीन और 33 जिंदा कारतूस पाए गए हैं। फुल स्टॉप। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक 25/3/2013 के एक उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा दोनों प्रकरणों का निपटारा किया। फुल स्टॉप। जिसके द्वारा ऊपर नामित 7 व्यक्तियों में से एक अर्थात अखिलेश्वर प्रताप सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया था तथा अन्य को भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों और कुछ मामलों में शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत दोष सिद्ध ठहराया गया था और दंडाधिष्ट किया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।